वेरी सॉरी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दा सेकंड पेपर है सेम वन दा, सेमेस्टर वन दा, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन। जिथे भी इंडिया विच बीएड हो रही है, जिस भी कॉलेज विच, ये पेपर जरूर होएगा। नाम कुछ वक्खरा हो सकता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगा, है ना, ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग, इस तरह के करके नाम होंगे। साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव विच लगभग सिलेबस सब यूनिवर्सिटियां का सेम है। और सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि टीईटी लई जोड़ा सीडीपी पेपर है, इत लिख दें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का पेपर है, जिस 30 क्वेश्चन आने ने टीईटी दे, भावें ओ पी एस टैट होवे और सी टैट होवे, उहदे विच ये पेपर फंडामेंटल है, बेस है, सब तो जरूरी पेपर, जिहड़ा सचमुच क्लासरूम टीचिंग लई जिसकी समझ चाहीदी है, जिंदगी चाहीदी है, वो साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव है इन एजुकेशन। इट मीनस आपां टीचिंग लर्निंग प्रोसैस साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव नूं समझांगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 ने लिखदा, ब्लर है, वेरी सॉरी, और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम है, इस दी गल होएगी, 30 मार्क्स का इंटरनल है, जो के खुले लग जाते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच। जिहड़ा 3 घंटे का ये पेपर होया, सब्जेक्ट कोड है, थोड़ा ब्लर है, नहीं दिख रहा, सानू जरूरत भी नहीं है। असी कंटेंट पढ़ते हाँ, सैक्शन ए ते बी, मैं दोबारा दसदा क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सी। देखो ए को सैक्शन है, बी सैक्शन है, सी सैक्शन नहीं है, एग्जामीनर ने सी सैक्शन बनाना है, उन्होंने ये दोनों सैक्शन के कंटेंट विच्चों 10 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के बनाने हैं, वह 30 बन जाना। सो तुहाडे सिलेबस विच ये दो ही जिहड़े ने सैक्शन ने। थोड़ा वड्डा करांगा, ब्लर हो जाएगा, चलो इस तरह इन्ना ही रखते हाँ। सैक्शन ई फस्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस दे क्वेश्चन वड्डा 10 दा एक कंसैप्ट ते नेचर इस नाल जनरली पूछा जाता है, जां ए एजुकेशनल साइकोलॉजी ए एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, एक कंसैप्ट ते स्कोप ए दूसरा बन जाता है, सौखा कुछ पेपर है। और तीसरा इंपॉर्टेंस, सो फस्ट लाइन विचों ये 3 इंपॉर्टेंट 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी दी की है, जे इसनू थोड़ा जिहा ब्रीफ विच, ज़्यादा ब्रीफ विच समझना है, तो बेसिकली साइकोलॉजी करती है फंडामेंटल रिसर्च। मान लो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी विच कोई थ्यूरिस्ट ने PSYCHOLOGY, ओके, मान लो स्किनर ने एक रिसर्च की है कि लर्निंग की होंगी है, असी लर्न किदा करते हैं, वो कहते हैं कि जदों बच्चे नू रिवार्ड दिता जाता है, टॉफी दिती जाती है, स्माइल दिती जाती है, मतलब कि रिवार्ड दिता जाता है, रिवार्ड, तो वो जिहड़ा काम कर रहा है वो उसनू रिपीट करता है, बार बार करता है, उसनू रिपीट करता है, इन्नी गल है ना। स्किनर दी ये रिसर्च साइकोलॉजी कीती है और है लर्निंग विच। सो इसनू तुसी इस रिसर्च नू इंडस्ट्री विच अप्लाई कर सकते हो, इंडस्ट्री विच तुसी बंदा जिहड़ा अच्छा काम कर रहा है उसनू रिवार्ड दिता, वो होर अच्छा काम कर रहा है, इसनू तुसी पुलिस विच अप्लाई कर दो, है ना, इस तरह पुलिस जिहड़ा अच्छा काम कर रहा उसनू रिवार्ड मिलिया, वो होर अच्छा कर रहा है, इसनू तुसी क्लासरूम च अप्लाई कर दो, क्लासरूम च जिहड़ा बच्चा होमवर्क अच्छा करता है उसनू रिवार्ड दे दिता, जिसने क्वेश्चन का आंसर दिता उसनू रिवार्ड दे दिता। तुसी की कीता, स्किनर दी थ्यूरी फंडामेंटल है, साइकोलॉजी दी है, उसनू इंडस्ट्री विच, उसनू पुलिस विच, उसनू एजुकेशन विच, जिथे मर्जी अप्लाई करो, जदों एजुकेशन च अप्लाई करते हैं उसनू एजुकेशनल साइकोलॉजी कहिंदे हन। ये चीज़ां असी डिटेल विच पढ़नियां हां, फंडामेंटल मैं हुणे थोड़े थोड़े तुहानू दस रहा हाँ। ये पहला हो गया, है ना। दूसरा है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, TET विच बहुत ज़्यादा डिटेल, इत्थे ही जिहड़ा सेंट्रल आइडिया है इत्थों ही शुरू हुंदा है। इहदे मीनिंग की है ग्रोथ ते डिवेलपमेंट दे, इन्हां विच डिफरेंस की है, मोस्ट कॉमन इंडिया दे विच क्वेश्चन जिहड़ा है इन्हां दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है ना। जिहड़ा साइज का इनक्रीज होना दिखता है, अपीयरेंस है, दिखावट है, वह ग्रोथ है। जिहड़ा डिवेलपमेंट है मल्टी डायमेंशनल है, लर्निंग भी है, मैच्योरेशन भी है, कंटीन्यूअस प्रोसैस है, ग्रेजुअल हुंदी है, होल है, डिवेलपमेंट होल है, ग्रोथ उसका
पार्ट है क्वानटिटेटिव आस्पैक्ट। अच्छा किहड़े प्रिंसीपल ने जिन्हां नूं उधार बना के साडी ग्रोथ दे डिवेलपमेंट हुंदी है। पहला सिर ही क्यों डिवेलप हुंदा है, फिर नीचा हिस्सा फिर पैर, है ना। पहला सिर ही क्यों कंट्रोल बच्चा करता है, बाद विच ये शोल्डर करता है, निचला हिस्सा सब तो लास्ट ते, इहनूं सिफेलोकेडल दा प्रिंसीपल कहिंदे आ, सिर तों पैरां वल नूं डिवेलपमेंट हुंदी है। सो इस तरह दे प्रिंसीपल करांगे। इनफ्लुएंस ऑफ हैरिडिटी जीन्स, जिहड़े इमीडिएट तुहाडे मापे ने जदों तुसीं पैदा होना सी ते उहनां दे जीन्स तुहाडे च पास ऑन होए सी, उह जीन्स ने तुहाडियां अखां दा, स्किन दा, वालां दा, है ना, ईवन कोगनेटिव ट्रेट, मैंटल ट्रेट उन्होंने डिसाइड किए कि इस बच्चे दे इस तरह होणगे। सो उहनां दा असर साडे ते की हुंदा है, इसे तरह एनवायरमेंट, असीं खांदे पींदे सौंदे किस तरह दे एनवायरमेंट च रहिंदे आ, सोशल एनवायरमेंट किंदे आ, किन्ना प्यार मिलदा है, उह उहदा ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ते की असर हुंदा है, इह पढ़ांगे। सो इह क्वेश्चन बड़े प्यारे अच्छे ने। इंडियन अडोलसेंट, है ना, फर्क हुंदा है क्योंकि अमेरिका दा अडोलसेंट देखो तुसीं उहनां कोल बंदूक हुंदी है, पापा ने रखी हुंदी है। अमेरिकन अडोलसेंट, हर अमेरिका विच अडोलसेंट एक दिन विच 19 बच्चों नूं शूट किया जाता है, बच्चे बच्चों नूं करदे ने अडोलसेंट, ठीक है। सो इंडियन अडोलसेंट शूट नहीं करते। सो ये करैक्टरिस्टिक थोड़े जिहे वक्रे होणगे, साडे कल्चर के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सोशल करैक्टरिस्टिक्स, असीं साडे रिश्ते किद्दां बणाउंदे आ असीं, है ना, जिहड़े अडोलसेंट ने 11 to 19 साल के बच्चे। कोगनेटिव थिंकिंग, नॉलेज, रीजनिंग उन्हां दी किस तरह चलती है। मॉरल डिवेलपमेंट, गुड एंड बैड नूं डिफाइन किद्दां करदे ने, गुड नूं ते बैड नूं फॉलो किद्दां करदे ने, ये गल्लां करांगे। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन अडोलसेंट, वो वेरी ईजी क्वेश्चन, असीं भी इस पीरियड चों निकल के गए हाँ, ईजीली दस सकते हाँ। रोल ऑफ फैमिली, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कादे विच डिवेलपमेंट ऑफ अडोलसेंट च, फैमिली दा, स्कूल दा, स्कूल की प्रभाव पाउंदा है डिवेलपमेंट ते, कम्यूनिटी साडी की पाउंदी है। नॉर्मली ये नैगेटिव पाते हैं लेकिन पॉजिटिव पाते हैं, असं सच्चाई भी डिस्कस करांगे, एग्जाम की लिखना वह भी डिस्कस करांगे। मास मीडिया अज सब तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। प्यूबर्टी पीरियड 11, 12, 13, 14 साल तक है, जदों के मेंसेस और नाइट एमिशन जिहड़ा बॉयज़ विच हो जाता है, सैक्सुअल हारमोन जो सैक्सुअल ग्लैंड है वर्क करने शुरू कर देती है। तो मास मीडिया एक अजिहा इन्फ्लुएंस पा रहा है कि वह पीरियड ही जल्दी आ रहा है, जल्दी सैक्सुअल जी है एक्टिविटी शुरू हो जाती है, बायोलॉजी सिस्टम चेंज हो रहा है। सो एनी डीप रिसर्च असी नहीं करते लेकिन ये गल्लां इंपॉर्टेंट है क्योंकि साडे नाल संबंधित है। सो बच्चों कंट्रोल्ड इहदा जिहड़ा एक्सपोजर मीडिया का देना हुंदा है, 2-3 PhD मेरियां इसे ते करवा रहा हाँ। रोल ऑफ डिफरेंट कल्चर इन डिवेलपमेंट, सो देखो सारा ही इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। इतने मैं एक भी क्वेश्चन रख दवा कि अडोलसेंट नूं आ करना चाहिए है कि सानूं ये करना चाहिए है, तो उत्ते चंगी डिबेट गलबात होएगी, तो क्वेश्चन रखांगे। सैक्शन बी है, इहदे विच चार आने हन, इहदे विच वी चार क्वेश्चन आने हन, तो अगला जिहड़ा सैक्शन होएगा सी, वह दोनों दे विचों आएगा, 3-3 मार्क्स दे 10 क्वेश्चन, इट मीनस 5 बना लेंगे जो जिहड़े पेपर सैटर ने। सैक्शन बी इंडिविजुअल डिफरेंस, एक तो दूसरे व्यक्ति दे विच फर्क है, किसी का शरीर नहीं मिलता, बुद्धि नहीं मिलती, इमोशंस नहीं मिलते, रिश्ते हैंडल किदा करना है, सारा कुछ नहीं मिलता, है ना। सो एक तो है इंटर इंडिविजुअल, इंटर मीन के एक इंडिविजुअल तो दूसरे इंडिविजुअल दे विच की फर्क है, है ना, किसी का जो मैं आस्पेक्ट दसे नहीं मिलते। दूसरा है एक इंडिविजुअल दे विच आपस विच ही की नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी और दूसरे एक उसकी सोशल एबिलिटी, कि ये दोनों सेम होंगियां। जे सौखी एग्जाम्पल लेनी है, एक बच्चे का मैथ ते साइंस लैंग्वेज कि इन्हां विच वो 10th विच सेम होएगा, नहीं हो सकता, मैथ विच होशियार होवे, साइंस विच एवरेज होवे, लैंग्वेज विच वीक होवे, है ना। सो ये जिहड़े उहदे विच ही डिफरेंस ने एक इंडिविजुअल विच, इंट्रा उहदे विच ही जिहड़े डिफरेंस है वह भी नहीं असी जानदे, उहनां नूं जानना जरूरी है। सो उहनूं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या जाता है। कंसैप्ट एंड कॉज एंड इंप्लीकेशन, सो ये क्वेश्चन बनते हैं। कंसैप्ट की है मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिता, कॉज की है जिहड़े इहदे कारण की ने, है ना, हैरिडिटी एनवायरमेंट ही बनेगा। इंप्लीकेशन, इस नूं क्लासरूम विच अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस लई बच्चे नूं डिवेलप करन लई किदां लागू करना है। इंटैलीजेंस दा कंसैप्ट की है, है ना, बुद्धि, दिमाग दा की काम है, बुद्धि है, इस नूं लर्निंग नाल भी जोड़ दिंदे ने। जिहड़ा बच्चा ज़्यादा लर्निंग करता है, जल्दी लर्निंग करता है, कोई सब्जेक्ट जल्दी पढ़ता है, दुनिया दियां प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लैंदा है,
है ना, एबसट्रैक्ट थिंकिंग ज़्यादा कर लेंदा है उसनों इंटैलीजेंट किया जाता है, एक थ्योरी ए भी है। लेकिन ऐसी थ्योरीज करांगे स्पीयरमैन दी, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर केड़े होंगे, जी छोटे वाली जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर, एस फैक्टर बहुत होंगे, सो जी एंड एस फैक्टर ए थ्योरी का नाम होएगा। थर्स्टॉन सैवन फैक्टर इन्हों के होंगे वो करांगे। गार्डनर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टी ई टी थ्योरी, मल्टीपल इंटैलीजेंस थ्योरी, जिसनों बिस्मिल्ला या नेचर इस दे नाल याद कर लेंगे। यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ इंटैलीजेंस टेस्ट, है ना, ये थ्योरी है कि इंप्लीकेशन थ्योरी की है, इंप्लीकेशन थ्योरी की है, इंप्लीकेशन तिने ही टी ई टी इंपॉर्टेंट ने, और इंटैलीजेंस की होंगे है ना, मेरे को पे भी नहीं दिखावगा, उन्होंने यूज़ कर भी सकते हैं, असल असी करते हैं नहीं। सो नैक्सट है साडा यूनिट लर्निंग। लर्निंग का अर्थ की है, कुछ नहीं है, बिहेवियर विच चेंज आ जाना किसी एक्सपीरियंस के कारण, ठीक। प्रोसैस एंड प्रोसैस की है लर्निंग की, कि पहला की होंगे है दूसरे स्टैप से तीसरे स्टैप से, है ना। थॉर्नडाइक नू डिस्कस किया जा सकता है, कॉब नू डिस्कस किया जाता जा सकता है, इजम दे दो तीन तरह दियाँ प्रोसैसिस बनगियाँ किसी लर्न किदा सीखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग मोस्ट यूनीवर्सल क्वेश्चन, ये सारे सांझे यूनीवर्सिटियाँ के क्वेश्चन है, ये करांगे। बहुत ज़्यादा ईजी, सब तो ज़्यादा ईजी और सब तो ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रिपीट होने वाला, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरीज ने, सो ये थ्योरीज पढ़ांगे, इंटरेस्टिंग ने, थोड़िया लंबिया भी ने, थोड़िया औखिया लगनगियाँ, पर आप हौली हौली करांगे सौखी हो जाएगी। मोटिवेशन की है कि तुसी कोई भी एक्शन करते हो, एक्ट करते हो, उदे पिछे एक फोर्स है, फोर्स है। तुसी क्यों किचन गए, विच गए, रोटी खान क्यों गए, तुसी एक लड़की नू क्यों बुलाया, उदे वल देखिया ही क्यों, उदे किसे अंग वल एक सैकेंड वल किस तरह देख लिया, कोई मोटिवेशन सी, कोई फोर्स सी, वो अनकॉन्शियस भी हो सकती, कॉन्शियस भी हो सकती, सब कॉन्शियस भी हो सकती है, जिहड़ी तुहानू किसे एक्शन वल लै जांदी है। सो मोटिवेशन इहदा कंसैप्ट की है, टाइप्स की है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एफिलिएटेड मोटिवेशन, मैं बुक विच बहुत ज़्यादा दित्तियां होईयां ने, सारियां करांगे। टैक्नीक्स, किसी नूं मोटिवेट करना है, किसी नूं कहिंदे नूं स्टूडेंट नूं ही करना है, टैक्नीक्स मोटिवेशन दियां की ने, है ना। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, क्लासरूम विच मोटिवेट किद्दां करना है, टैक्नीक्स ते एजुकेशनल इंप्लीकेशन लगभग सेम बन जाता है। लर्नर विद स्पैशल नीड्स, तारे जमीन पर ईशान नूं याद कर सकते हाँ, मैंटली चैलेंज बच्चे उन्होंने याद कर सकते हाँ, विजुअली इंपेयर्ड है, दिखाई नहीं जिन्होंने दिता, सुनता नहीं है जिन्होंने, ऑर्थोपैडिकली जिहड़े फिजिकली चैलेंज ने, वो सारे स्पैशल नीड्स है उन्होंने, हर एक दी वक्रियां वक्रियां ने। साडे मीनिंग की है, मीनिंग कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे ने ना जिहड़े, ये नॉर्मल बच्चों तो ये नॉर्मल क्लास है, ये नैगेटिव जेडे उन्होंने पिछे रह जाते हैं, जेडे किसी कारण करे अगे निकल जाते हैं, सो ये जेडे पिछे रह जाते हैं नॉर्मली, जेडे नॉर्मल क्लासरूम च नहीं पढ़ सकते उन्होंने स्पैशल दे के फिर नॉर्मल च भेजना पैंदा है, जिन्हां दे जेडे इन्ने नॉर्मल तो डिविएट कर जाते हैं कि उन्होंने लर्निंग अफेक्ट हो जाती है नैगेटिवली, नैगेटिवली उन्होंने लर्नर विद स्पैशल नीड किया जाता है। उन्हों का मीनिंग जिदा असी कर लिया है, टाइप्स है करांगे, उहदे विच है गिफ्टड जिहड़े बहुत ज़्यादा होशियार ने, उन्हों का आई क्यू 140 तो ज़्यादा होंदा है, क्रिएटिव होते हैं, किसी एक फील्ड एक्सट्रा ऑर्डनरी होंगे, जिवें विराट कोहली है, जिवें क्रिकेटर तुसी देखते हो, है ना, भाग मिल्खा भाग, डेलीक्वेंट जिहड़े सोशली एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, सिगरेट पीते ने, स्कूल तो भज जाते हैं, इव टीजिंग लड़कियां नूं अल्कोहल लेंदे हैं, पिछे करते हैं, है ना। क्रिएटिव चिल्ड्रन जिदा तारे जमीन पर पेंटिंग करता है ईशान, कितना क्रिएटिव है। स्लो लर्नर जिन्हां च एबिलिटी तो सी किसी कारण करके नॉर्मल नालों पिछे रह गए, स्लो लर्नर, सो इन्हां दी टाइप्स ने। एजुकेशनल प्रोग्राम इन्हां दी गिफ्टड लई की होएगा, एक क्वेश्चन बन गया, डेलीक्वेंटली की होएगा, क्रिएटिवली की होएगा, स्लो लर्नर की होएगा, सारे इन्हां दे पॉइंट भी किस तरह याद करने हैं ये भी नाल नाल करांगे। सो ये तुहाडा पेपर सी, और एक्टिविटीज़ की है कि तुसी साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटेलिजेंस मोटिवेशन या क्रिएटिविटी का एक अप्लाई करना है, उसकी इंटरप्रेशन करनी है। स्कूल विच जाना है, बच्चों की प्रॉब्लम की फेस करते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना है। बुक्स दित्तियां हैं, डंडा अपनी बेस्ट बुक है, नहीं पढ़ी जानी औखी है, चौहान अच्छी बुक है, वूल फॉक भी होएगी शायद इतने बुक, चलो ये पढ़नी आनी है,